काला साया हंसते हुए कहता है, ये तो मर चुका है अभिमन्यु, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बस इसे मुक्ति दे रहा हूँ, मुक्ति। चैटर्जी को ऐसे तड़पते और मरते देख युग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो भी लगातार रोते रहता है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है, बेसहारा होकर वहां पर पड़ा हुआ है। युग खुद पर गुस्सा कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर जमीन पर ही जो दो कटोरे रखे हुए थे, जिनके अंदर डायना ने कायर और कछुए का खून निकाल कर रखा हुआ था, उस पर पड़ती है। उन खून से भरे हुए कटोरे को देखकर युग के मुंह में फिर से पानी आने लग जाता है। उसे उसके शरीर में एक अलग सी बेचैनी महसूस होने लग जाती है। युग उस खून के कटोरे को देख ही रहा था कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो खुद से बोल पड़ता है, आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा की रात ही तो मैं शिकार करता था और शिकार करके मुझे शक्तियां मिलती थी। इस खून से मुझे पूरी शक्ति मिले या ना मिले, पर कुछ शक्ति तो मिलेगी ही। युग खुद से गुस्से के साथ कहता है, इस भक्षानर को मारने के लिए अगर मुझे बुरा बनना ही है तो मैं बुरा बनूंगा। इतना कहकर युग एक कटोरे को उठाता है और उसके अंदर रखा खून पीने लग जाता है। बाकी सबका ध्यान चैटर्जी की तरफ ही था, जिस कारण कोई भी युग को खून पीते हुए देख ही नहीं पाता है। जैसे जैसे युग खून पीते जाता है, उसे खुद अपने अंदर ताकत के बढ़ने का एहसास होने लगता है। युग फुर्ती के साथ एक ही बार में दूसरे कटोरे का खून भी पी जाता है और अगले ही पल उसकी आंखें और हाथ के पांचों निशान वापस से पीली रोशनी के साथ चमकने लग जाते हैं। युग के अंदर अब इतनी ज्यादा ताकत आ गई थी कि वो वापस से काले साए से लड़ने के लिए तैयार हो गया था। युग वापस से कुल्हाड़ी को थाम लेता है और गुस्से के साथ काले साए को घूरने लग जाता है। काला साया तो अभी भी चैटर्जी को दर्द से तड़पा रहा था, वज्र को और ज्यादा कस कर चैटर्जी के सीने के अंदर घुसा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे चैटर्जी को तड़पते देख काले साए को और ज्यादा मजा आ रहा हो। बाकी सबका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था और सबसे ज्यादा अभिमन्यु का। उसकी आंखों के सामने तो बचपन के वो पल गुजरने लग गए थे जब उसने पहली बार चैटर्जी को देखा था और उसे दाई माँ से बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। युग कुल्हाड़ी थाम कर फुर्ती के साथ अपनी जगह पर खड़ा होता है और भागते हुए काले साए की तरफ जाने लग जाता है। युग काले साए को ललकारते हुए कहता है, भक्षानर। काला साया चैटर्जी से अपना ध्यान हटाता है और पीछे मुड़ते हुए युग की तरफ देखने लग जाता है। वो देखता है कि युग तेजी के साथ भागते हुए उसकी तरफ आ रहा है। काला साया कुछ कर पाता उससे पहले ही युग एक लंबी और ऊंची छलांग लगाता है, इतनी लंबी कि वो काले साए के सिर से भी ऊपर उठ जाता है और अगले ही पल कुल्हाड़ी से काले साए के सिर पर एकदम खड़ा वार कर देता है। काला साया कस कर कराह पड़ता है, आ! युग के जमीन पर कदम रखते ही उसकी कुल्हाड़ी काले साए के शरीर को बीच में से दो हिस्से में बांटते हुए नीचे आ जाती है। उस काले साए का शरीर दो हिस्सों में बट जाता है, उसके शरीर के अंदर से काला खून निकलने लग जाता है। काले साए का शरीर जिन दो हिस्सों में बटा था, उसके एक हिस्से में धुआं था तो दूसरे हिस्से में बॉटफ्लाइज। वो धुआं नीचे बैठने लग जाता है और उसी के साथ वो बॉटफ्लाइज मरते हुए धड़ाधड़ जमीन पर गिरने लग जाते हैं। युग देखता है कि एक के बाद एक बॉटफ्लाइज जमीन पर गिरते हुए मरते जा रहे थे। काले साए को इस तरह मरता हुआ देखकर बाकी सबके चेहरे पर चमक आ जाती है। डायना भी स्नेह भरी निगाहों के साथ युग की तरफ देखने लग जाती है, क्योंकि युग ने वो कर दिया था जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसे तो यही लग रहा था कि युग कभी भी उस भक्षानर के अंश की तरफ जा सकता है। देखते ही देखते काले साए के दो हिस्सों में बटे शरीर के अंदर से एक हिस्से से सारा धुआं भी गायब हो जाता है और दूसरे हिस्से के सारे बॉटफ्लाई भी जमीन पर गिर जाते हैं। युग जमीन पर मरकर गिरे हुए बॉटफ्लाई को देख ही रहा था कि तभी उन बॉटफ्लाई के बीच में युग को गेंद की तरह छोटी सी कुछ सफेद चीज नजर आती है। युग हैरानी के साथ मन में सोचने लग जाता है, ये क्या है? वो सफेद गोल चीज लुढ़कते हुए चैटर्जी की तरफ जाने लग जाती है। युग देखता है कि वो सफेद गोल चीज कुछ और नहीं बल्कि एक आंख है। उस आंख पर कमरे के अंदर मौजूद बाकी सबका ध्यान भी चले गया था। युग जब उस आंख को गौर से देखता है तो उसे वो आंख जानी पहचानी लगने लग जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने उस आंख को पहले भी कहीं पर देखा है, पर उसे याद ही नहीं आता है कि उसने उस आंख को कहां पर देखा था। वो आंख लुढ़कते हुए चैटर्जी के अधमरे शरीर के पास जाकर रुक जाती है। यामिनी हैरानी के साथ कहती है, ये भक्षानर के शरीर में से किसकी आंख निकली है? युग जब उस आंख को एक बार और गौर से देखता है तो वो अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, ये तो मेरे पापा की आंख है यामिनी।
यामिनी अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ युग से कहती है, क्या कहा आपने युग बाबू? अनुराग अंकल की आंख। युग हामी भरते हुए कहता है, हाँ यामिनी, ये उन्हीं की आंख है। मैं उनकी आंखों को कभी नहीं भूल सकता। यही तो वो आंख थी जिसे मैं 2 सालों से ढूंढ रहा था ताकि पापा को मुक्ति मिल सके। अब मेरे पापा को मुक्ति जरूर मिलेगी। जैसे ही युग ये बात बोलता है, यामिनी को याद आता है कि पिछली बार अमावस्या की रात जब वो और युग इस कमरे में आए थे तो उन्हें छत पर ही अनुराग की एक आंख लगी हुई मिली थी जिसे उन्होंने अनुराग के शव के अंदर लगा दिया था, पर दूसरी आंख नहीं मिली थी। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि वो दूसरी आंख उन्हें क्यों नहीं मिल पाई थी, क्योंकि वो दूसरी आंख खुद उस भक्षानर के अंश ने अपने शरीर के अंदर स्थापित करके रखी हुई थी ताकि वो उसे अपने शरीर की काली शक्ति का केंद्र बना सके। युग हमदर्दी भरे लहजे में फिर बोल पड़ता है, अब मुझे मेरे पापा को मुक्ति दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। इस भक्षानर का अंत तो मैंने कर ही दिया है, अब मैं अपने पापा को भी जरूर मुक्ति दिलाऊंगा। इतना कहकर युग अपने कदम चटर्जी के अधमरे शरीर के पास बढ़ाने लग जाता है जहां पर अनुराग की आंख लुढ़कते हुए गई थी। युग उस आंख को उठाने के लिए नीचे झुकने लग जाता है। युग उस आंख को छूता उससे पहले ही भक्षानर की डरावनी हंसी सुनाई देती है। वो हंसी सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हर कोई डर से कांपने लग जाता है। युग खुद से कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैंने अभी अभी तो इस भक्षानर को मारा था। युग धीरे धीरे पीछे मुड़ने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि जो बॉटफ्लाइज अभी कुछ देर पहले ही मरकर नीचे गिर गए थे वो वापस से जिंदा होते हुए हवा में उठने लग गए हैं। साथ ही उनमें धुआं भी मिलते जा रहा है जो फर्श पर बनी आंख के निशान के अंदर से ही निकले जा रहा था। एक के बाद एक बॉटफ्लाई वापस से जिंदा होने लग गए थे। युग और बाकी सबको तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता है कि वो बॉटफ्लाई फिर से जिंदा हो गए हैं। सभी के अंदर का खौफ वापस से जागने लग जाता है जो कुछ देर पहले काले साए के मिटने के साथ ही मिट गया था। देखते ही देखते युग की आंखों के सामने फिर से काला साया जिंदा हो जाता है। बॉटफ्लाई और धुएं से वापस से उसका शरीर बन जाता है। काला साया हंसते हुए कहता है, मैंने कहा था ना युग, तू इस कुल्हाड़ी से भी मेरा अंत नहीं कर सकता क्योंकि मेरा अंत अनंत है, कोई मेरा अंत नहीं कर सकता। युग कुछ करता उससे पहले ही काला साया फिर से अपने दोनों हाथ आगे करता है और फिर से युग की शक्तियां खींचने लग जाता है। युग कुछ कर ही नहीं पाता है, वो फिर से दर्द से कराहने लग जाता है। इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से युग के शरीर के अंदर से धुआं निकल रहा था और भक्षानर के शरीर के अंदर घुस रहा था। यामिनी के समझ ही नहीं आता है कि वो क्या करे क्योंकि उसके पास सिर्फ मंत्रों की शक्ति बची हुई है और वो शक्ति काले साए से लड़ने के लिए काफी नहीं है। रही डायना की बात तो एकास्त्र के टूटने और हरा हीरा उस काले साए के पास चले जाने के कारण वो खुद ही अंदर से टूट गई थी। अभिमन्यु तो पहले से ही घायल हालत में पड़ा हुआ था और कायर, कछुआ और बिंदु इतने ज्यादा डरे हुए थे कि कुछ करने का सोच तक नहीं पा रहे थे, वो पहले से ही निहत्थे थे। काला साया लगातार युग की शक्तियां खींचते जा रहा था और देखते ही देखते काला साया युग के अंदर की सारी शक्तियां खींच लेता है, उसके अंदर कोई शक्ति नहीं बचती। जैसे ही काला साया युग की सारी शक्ति खींच लेता है, युग पीठ के बल धड़ाम से गिर जाता है। यामिनी कस कर चीखती है, युग बाबू! काला साया यामिनी को घूरते हुए कहता है, चीख मत यक्षिणी की बेटी, अभी मैंने इसे मारा नहीं है। युग जिंदा था, उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं, पर वो इतना कमजोर हो गया था कि दोबारा से उठ ही नहीं पाता है। काला साया युग के सीने पर अपना पैर रखते हुए कहता है, युग, मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुझे मारकर हमेशा हमेशा के लिए तेरा अंत कर सकता हूं, सिर्फ तेरा नहीं, तेरे इन दोस्तों का भी। युग दर्द से कराहते रहता है, कुछ नहीं कहता है। काले साए की ये बात बोलते ही बिंदु डर से कांपती हुई कायर का हाथ पकड़ लेती है। काला साया ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं, जानता है क्यों? युग चुप ही रहता है। काला साया खुद ही बोल पड़ता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मैंने तेरी आंखों में वो दर्द, वो तड़प देखी जो मैं पिछले 2 सालों से देखना चाहता था। जब मैं चैटर्जी को मार रहा था तो मैंने देखा तू किस तरह से तड़प रहा था। इस बात से मैं इतना तो जान गया कि तू मुझसे यानी अपने पूर्वज से भले ही प्यार ना करता हो पर अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता है। अब मैं तेरे इन दोस्तों को नहीं मारूंगा बल्कि तू ही अपने दोस्तों को मारेगा। डायना आक्रोश के साथ काले साए से बोल पड़ती है, युग कभी ऐसा नहीं करेगा भक्षानर।
जैसे ही डायना ये बात बोलती है, सब लोग डायना की तरफ देखने लग जाते हैं। डायना अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, मुझे युग को समझने में हमेशा गलती हुई है, पर आज जाकर मैं उसे पूरी तरह समझ गई हूँ। वो तेरा वंशज भले ही उपक्षानर, पर तेरी तरह बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। और उसके अच्छे होने का कारण ये है कि उसकी परवरिश किसी और ने नहीं बल्कि हमारी महाडायन चित्रा जी ने की है। उन्होंने युग के अंदर भी वही अच्छाई भरी है जो उनमें थी। युग कभी अपने दोस्तों को नहीं मार सकता। काला साया हंसते हुए कहता है, जानता हूं डायना, मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि युग कभी अपने दोस्तों को नहीं मारेगा, पर मैं चाहूंगा तो उसे अपने दोस्तों को मारना पड़ेगा। बस एक बार तू मेरा कालगढ़ सिद्ध हो जाने दे, फिर देखना वो कैसे तुम सबको बारी बारी से मारेगा। इसलिए तो मैं युग को जिंदा रख रहा हूं और तुम सबको भी, ताकि युग खुद तुम्हें मारे अपने हाथों से। डायना कुछ कहने या करने ही वाली होती है कि तभी काला साया अपने हाथ आगे बढ़ाता है। उसके हाथों में से काली रस्सियां निकलती हैं जो धुएं से बनी हुई थी, और वो रस्सियां डायना के हाथों में बंधने लग जाती है। डायना के दोनों हाथ बंध जाते हैं। काला साया यामिनी की तरफ भी देखता है और यामिनी के हाथ भी उसी तरह धुएं से बनी हुई काली रस्सी से बंध जाते हैं। काला साया अभिमन्यु से कहता है, लो अभिमन्यु, अब तो ये बोतलें मुझे दे दो। इतना कहकर काला साया खुद अपने हाथ आगे बढ़ाकर वो दोनों काली पॉलीथीन अभिमन्यु के हाथों से छीन लेता है और अभिमन्यु कुछ नहीं कर पाता है। काला साया ये बात अच्छे से जानता था कि अभिमन्यु बहुत शातिर है, वो उसके लिए कभी भी कोई भी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसलिए वो धुएं की रस्सी से अभिमन्यु के हाथ भी बांध देता है, साथ में युग के भी। काला साया कायर, कछुआ और बिंदु की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है, तुम्हारे हाथ बांधने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम तीनों मेरे खिलाफ जाने की सोचोगे तक नहीं। वैसे भी तुम तीनों के पास वक्त ही कितना बचा है जो मेरे खिलाफ जाओगे। तुम तीनों के खून का तो चढ़ावा चढ़ने वाला है। तुम तीनों के खून से ही तो कालगढ़ सिद्ध होगा। काले साये की डरावनी हंसी कमरे के अंदर गूंजने लग जाती है। अगले ही पल काला साया मंत्र पढ़ने लग जाता है, जिससे कमरे के अंदर ढेर सारा धुआं छाने लग जाता है। इतना सारा धुआं कि कुछ नजर ही नहीं आता है। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि काला साया क्या करना चाहता है। कुछ देर बाद धुआं छटता है तो काला साया तो वहां से गायब होता ही है। अपने साथ में वो युग, यामिनी, डायना, अभिमन्यु और बाकी सबको भी ले जाता है। उस कमरे में बस अधमरी हालत में चटर्जी बचता है, जिसके सीने के अंदर वज्र घुसा हुआ था और उसके पास ही अनुराग की एक आंख पड़ी हुई थी। इस तरफ मंदिर के अंदर गर्भगृह में तारा अभी तक बेहोश थी। उसे अभी तक होश नहीं आया था और उसने कामेश्वरी यक्षिणी का हाथ थाम कर रखा हुआ था। तारा के बगल में ही वर्चस्विनी बैठी हुई थी, जिसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी और पूरी लाल पड़ गई थी। वो बार बार तारा के माथे पर हाथ फेरे जा रही थी और रोते जा रही थी। कार्तिक पुजारी और रज्जन भी वहीं पर बैठे हुए थे। तारा का शरीर पूरी तरह सफेद पड़ा हुआ था, उसके अंदर जरा सी भी हलचल नहीं थी। सभी के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। वर्चस्विनी रोते हुए ही कार्तिक पुजारी से बोल पड़ती है, पुजारी जी, आपने कहा था कि मेरी बेटी तारा को पूर्णिमा शुरू होने के पहले पहले होश आ जाएगा। अब तो पूर्णिमा भी शुरू हो चुकी है, फिर मेरी बेटी को अभी तक होश क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।